हाय एवरीवन, आप सबको फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग हमारे फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर दोस्तों आप सभी लोग भी इस प्रकार की इमेज को क्रिएट करना चाहते हो वो भी अपने फोन से, तो आप सभी लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप सभी लोग सिर्फ एक मिनट में इस प्रकार की इमेज को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों आप सभी लोग इस प्रकार के इमेज को क्रिएट कर लेते हो तो आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया में या अपने प्रोफाइल फोटो में कहीं पे भी लगा सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को और प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको लेकर चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, हम आ गए अपने फोन के स्क्रीन पे। इसके बाद व्यूअर्स आपको क्या करना है, मेरे वीडियो पे एक बार आपको बैक हो जाना है। इसके बाद व्यूअर्स आप सबको मेरे वीडियो का थंबनेल इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप सबको एक 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे आपको शेयर करने का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है कॉपी लिंक, आपको इस पर टैप करना है। आप इस पर जैसे ही टैप करते हो तो यहाँ से आपको एक बार बैक हो जाना है और यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अभी जिस लिंक को कॉपी किए थे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स आपको इसे सर्च कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हो तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको एक लाइक जरूर कर लेना है, क्योंकि व्यूअर्स वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। और अगर व्यूअर्स आपसे लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूअर्स मैं बहुत सारे वीडियो इस प्रकार लेकर आता रहता हूँ जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो एक मोर लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो एक और मोर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप सबके लिए एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। व्यूअर्स आपको क्या करना है, इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो इसे कॉपी करने के लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस किए रहना है और यहाँ पे नीचे की ओर आ जाना है। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो व्यूअर्स यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक होने के बाद व्यूअर्स आपको दोबारा से अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सबको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो व्यूअर्स आप इस प्रकार से जरूर लिखिएगा और सर्च कर दीजिएगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे इस प्रकार का वेबसाइट दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो व्यूअर्स तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको इस प्रकार का खाली बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो व्यूअर्स आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे जो पेस्ट लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से प्रॉम्प्ट मेरा पेस्ट हो चुका है। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको यहाँ पे देखने को एक नेम मिलेगा। आपको क्या करना है व्यूअर्स, इस नेम को हटाकर और यहाँ पे आप सबको अपने नेम को कैपिटल लेटर में लिख लेना है। तो चलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे अपने नेम को लिख लेता हूँ, आप सभी लोग भी अपने नेम को यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक और नेम दिखेगा, आपको इस नेम को भी हटाकर और आप सबको यहाँ पे गर्ल्स के नेम को लिख लेना है। तो चलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक गर्ल्स के नेम को लिख लेता हूँ, आप सभी लोग भी यहाँ पे गर्ल्स के नेम को लिख लीजिएगा। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप सभी लोग कपड़े के कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते जो कि येलो लिखा हुआ है, आपको इस येलो को हटाकर और यहाँ पे आपको जो कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, आप सभी लोगों को जो कलर अच्छा लगे व्यूअर्स आप सभी लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक और येलो दिखेगा, आपको इसे भी हटाकर और यहाँ पे आप सबको जो कलर लिखना हो व्यूअर्स आप सबको इस प्रकार से लिख लेना है। तो चलिए व्यूअर्स मैंने लिख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो क्रिएट लिखा हुआ दिखेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स आपका इमेज क्रिएट होने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते व्यूअर्स किस प्रकार से इमेज क्रिएट कर आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग इस प्रकार से इमेज को क्रिएट कर सकते हो। और अगर व्यूअर्स आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सबको फोटो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो दोबारा से एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर भी क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपकी गैलरी में डायरेक्ट ये सेव हो जाता है। तो व्यूअर्स आप लोग भी इस प्रकार से इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी
बहुत ही सिंपल तरीके से। और आप सबको कलर को चेंज करना हो दोस्तों तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्लैक लिखा हुआ है आपको इसे हटाकर यहाँ पे दूसरे कलर को कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं और ब्लैक लिखा हुआ है आपको इसे भी हटाकर और दूसरे कलर को कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे दूसरे कलर को करते हैं उस तरह का इमेज यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा। तो व्यूअर्स आप लोग इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा। और अगर व्यूअर्स आपसे लोग भी चाहते किसी प्रकार की बहुत सारा आप सबको फोटो और प्रॉम्प्ट मिले तो उसके लिए व्यूअर्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आ जाना है मेरे यूट्यूब पे। इसके बाद व्यूअर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सबको मेरा लोगो देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे इस प्रकार का तीर का निशान दिखेगा व्यूअर्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप सबों के लिए एक यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स तो यहाँ पे आप सबको एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार का यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो है आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे व्यूअर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि व्यू चैनल आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते व्यूअर्स यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को भी सिलेक्ट कर लेना है, मेरा व्हाट्सएप चैनल देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। व्यूअर्स आप लोग इसे ज्वाइन करके जरूर खेल, क्योंकि व्यूअर्स मैं यहाँ पे बहुत सारा प्रॉम्प्ट देता रहता हूँ जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे इमेज भी क्रिएट करके दिया हुआ है। तो व्यूअर्स आप लोग इसे ज्वाइन करके जरूर खेगा, क्योंकि व्यूअर्स मैं यहाँ पे बहुत सारा प्रॉम्प्ट देता रहता हूँ जिससे आप लोग बहुत सारे नए नए इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो व्यूअर्स आप लोग इसे ज्वाइन करके जरूर खेगा। तो व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर व्यूअर्स आप लोग चाहते हो किसी प्रकार की नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो व्यूअर्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि व्यूअर्स मैं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।